बॉलीवुड एक मायानगरी है और इस मायानगरी के गहरे राज हैं, जो समय समय पर उन्हीं लोगों के जरिए बाहर आते रहे हैं जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा रह चुके हैं। हाल ही में नरगिस फाखरी ने बॉलीवुड की पोल खोली, लेकिन उससे पहले भी कई टॉप एक्ट्रेस इंडस्ट्री की दर्द भरी सच्चाई बयां कर चुकी हैं। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। फैक्ट नंबर वन, नरगिस फाखरी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि चूंकि वो हर किसी से ईमानदार थी, लिहाजा इस वजह से उन्हें इमैच्योर तक कहा गया। उन्हें इंडस्ट्री में ये बताया गया कि भले ही आप किसी के साथ सहज हो या ना हो, आपको एक अलग चेहरा रखना होगा। फैक्ट नंबर टू, 90 के दशक में टॉप एक्ट्रेस रह चुकी रवीना अब अपने करियर की दूसरी पारी का आगाज कर चुकी है, लेकिन एक इंटरव्यू में रवीना ने रिवील किया था कि वो बी टाउन में एक गर्ल गैंग सक्रिय है जो दूसरी एक्ट्रेस को आगे बढ़ने से रोकता है। खुद इसका शिकार रवीना भी हुई थी। फैक्ट नंबर थ्री, ईशा कोप्पिकर अपने करियर में कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनी, लेकिन फिलहाल वो स्क्रीन पर ना के बराबर ही नजर आ रही है। एक बार इंटरव्यू में ईशा ने बताया था कि एक्टर्स फिल्मों से किस तरह एक्ट्रेस को रिप्लेस कराने का मादा रखते हैं। उन्हें खुद एक फिल्म से एक्टर की मर्जी के चलते निकाल दिया गया था। फैक्ट नंबर फोर, कंगना रनौत अपने बेबाक बोल के लिए ही जानी जाती हैं और इंडस्ट्री को लेकर उनके तीखे और चटपटे बयान हमेशा ही चर्चा में रहते हैं। खुलकर कंगना कई बार ये कह चुकी हैं कि इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच एक विकराल रूप ले चुका है और यहाँ बिना कॉम्प्रोमाइज के एक्ट्रेस को काम नहीं दिया जाता। फैक्ट नंबर फाइव, बॉलीवुड में रंगभेद को लेकर क्या लोगों की क्या सोच है वो ईशा गुप्ता रिवील कर चुकी हैं। उनके मुताबिक काली और सांवली लड़कियों के बजाय गोरे रंग की एक्ट्रेस को ज्यादा तवज्जो मिलती है। ईशा के मुताबिक उनके करियर में कई बार लोग उन्हें स्किन वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाने की सलाह दे चुके हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।